भाई मिश्रा जी को आज हमारे से बच्चे की रिटायर देखते नहीं है कहीं से पार्लियामेंट प्रांतीय अध्यक्ष बड़ी बहन श्रीमती इंदा सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है। साथियों जैसा कि हम लोग प्रत्येक वर्ष हमेशा स्थापना दिवस पर यहाँ उपस्थित होते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ। इस ऊर्जा को आपने देखा भी होगा कि अगर किसी संगठन ने कुछ संघर्ष किया है कर्मचारियों के लिए तो मात्र हमारे जेपी भैया और पीएन त्रिवेदी और हमारे रामलाल भैया इन सभी लोगों ने किया और किसी संगठन ने कुछ नहीं किया है। आप लोग इनके वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिए, पूरा एल्बम देख लीजिए। अगर किसी जिले में कहीं भी कोई संघर्ष किया है तो मात्र आप लोगों ने किया है। मैं इसके लिए स्वयं आप लोगों को बधाई देती हूँ। इनके तरफ से मैं दो शब्द आपको कहना चाहूंगी कि क्या कुछ नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए, शर्त ये है कि तुम कुछ कहो तो सही। मैं भगीरथ से आगे चलूंगा मगर तुम पतित पावनी से हो तो सही। आप इनके साथ तो दीजिए कि अकेले संघर्ष करेंगे, धीरे धीरे हम एकता के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। आज इनका कारवां इतना बड़ा हो चुका है कि डुप्लीकेट यूनियन चाहे जितनी बनी हो लेकिन कोई संघर्ष में नहीं है। जेपी पांडे जिंदाबाद, जेपी पांडे जिंदाबाद, रामनाथ जी जिंदाबाद, सारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। मकिनी भक्तों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। ऐसे विपरीत परिस्थितियों विपरीत ऊर्जा वाले लोग उसे ना मिल जाए जो संगठनों से बरगला कर उसे इधर उधर का रास्ता दिखाने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर ऐसा मानिए ऐसा होगा अगर हम लोग प्रयासरत नहीं होंगे, अपने नए साथियों को सही दिशा निर्देश नहीं देंगे तो आज नहीं तो कल संगठन समाप्ति की ओर जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आज हमारे पूर्वज हमें सही दिशा दिखा के गए, हम लोगों ने अपने बैठ कर भले बैक बेंचर रहे हो, अपने संगठन के पीछे बैठते हो, नहीं पूछा जाता हो, पर जो सीखा जो उनके द्वारा मिला, जो भी अच्छी चीज़ें प्रदान मिली उनकी तरफ से, उसका निचोड़ मेरे द्वारा सिर्फ इतना है कि आप अपने जो भी हैं सीनियर्स उनको समय समय पर याद करते रहें, उनको बुलाते रहें, उनको सम्मानित करते रहें, उनको मौखिक रूप से तो जरूर सम्मान दें और अपने साथियों के साथ जो आपके हमउम्र हैं या आपके जो युवा साथी हैं भाई बहन जो आते हैं जो अपने यहाँ नौकरी करने आते हैं उनको इस विभाग ने मिसगाइड होने से बचाए, उनको सही चीज़ें बता दें। बाकी भाई 18 साल के ऊपर सब लोग बालिग कहलाते हैं, उनकी मर्जी है, पर एक बार बता देने पे मनुष्य सही और बुरे में अंतर सेंसिटिव प्राणी है वो अपने आप जान जाएगा। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूँगा हमारे बीच में यूटेक पेंशन बहाली सर। गठन का 98 स्थापना दिवस यहाँ हमारे प्रेरणा सदन इसी संघ भवन के परिसर में मनाया जा रहा है और ये प्रदेश के उन चुनिंदा संगठनों में से है जो अब शताब्दी वर्ष की तरफ जा रहे हैं। 100 साल के संगठन प्रदेश में बहुत सारे बहुत कम हैं और हमारा संगठन अगले 2 सालों में उन संगठनों में शामिल हो जाएगा जो कि 100 साल पुराने हैं। एक लंबा रास्ता तय किया गया है कर्मचारियों के संघर्ष का और हमारे जो पूर्वजों ने किया उनको भी हम नमन करते हैं और जो वर्तमान पीढ़ी आगे जो हमारे जनपदों की शाखाएं हैं, क्षेत्रीय शाखाएं हैं और प्रांत के साथ मिलकर जो हम संघर्ष का रास्ता चुन रहे हैं, कर्मचारियों की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, वो इस स्थापना दिवस पे आज हम संकल्पित होने आए हैं और ये जागरूक करने आए हैं कि 98 साल का रास्ता कोई ऐसे कांटों का ताज बन के आया है और इसको हमको संगठन को और मजबूत बनाना है और ये सफ़र लगातार इसी तरह अनवरत जारी रहे, कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होता रहे, हमारी जो ग्रीवांसेज हैं उनकी जो ग्रीवांसेज हैं हम उच्च अधिकारी तक पहुँचाएँ
और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएं, ये हमारा सपना है। और इसके अपना दिवस के शुभ अवसर पर मिनिस्टर एसोसिएशन पीडब्ल्यूडी की आज मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी हमारे मंच पर मिनिस्टर एसोसिएशन के सरदार श्रीवास्तव जी हमारे अध्यक्ष पीडब्ल्यूडी के अध्यक्ष मिनिस्टर एसोसिएशन के पर भाई कदम जी त्रिवेदी जी एवं इंदिरा भवन व्यवहार भवन की अध्यक्षा और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के महिला ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष आपकी बहन मीना सिंह जी हमारे तमाम सड़क की तमाम पदाधिकारीगण भाइयों पीडब्ल्यूडी के साथियों मिनिस्टर के साथी और विभाग के साथियों भाइयों और बहनों स्थापना दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारे जो पूर्वजों ने किया है उसको हम लोग याद करते हैं और याद कर आगे की लड़ाई की नींव डालते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की पेंशन बहाली नहीं हो रही है, लगातार संयुक्त मोर्चा ने संघर्ष किया, लगातार 26 संगठनों ने लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मन के माध्यम से सरकार चांद के बाद किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष जारी रहेगा। जब तक पुरानी पेंशन बहाल हमने नहीं करा लेते जो हमारी पुरानी संयोग मुद्दा बना है तब तक हम लोग चांद से किसी सरकार को आने नहीं देंगे। मैं इस मन के माध्यम से कहना चाहता हूँ संचालन कर रहे हैं हमारे क्रांति महामंत्री जी। बहादुर साथियों, आज हम अपने संगठन का 98 स्थापना दिवस मनाने के लिए अपने मंदिर रूपी प्रांगण प्रेरणा सदन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मंच पर मंचासीन हमारे प्रांतीय संरक्षक और पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई सुरेंद्रनाथ श्रीवास्तव जी, हमारे उपाध्यक्ष पूजन जी, संचालन कर रहे प्रांतीय महामंत्री जी, पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष कांति सिंह जी, प्रदीप शरण जी, भजीन जी, सुधांशु भैया और अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे उच्च पीढ़ी के लोग सेवानिवृत्त साथी हमारे आदरणीय परम आदरणीय जिन्होंने इस संघ भवन को इस हमारे संगठन को चलते फूलते देखा, विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारीगण, हमारे जनपदीय पदाधिकारीगण, हमारे ठेकेदार संघ के यहाँ पर साथीगण,
हमारे संगठन के पूर्व लखनऊ के जिला अध्यक्ष और वर्तमान में अवर अभियंता के पद पर सुशोभित हमारे भाई महेंद्र यादव जी, जो चुनाव अधिकारी भी रहे हमारे इस प्रांगण में उपस्थित वो तमाम साथीगण बहादुर और जहां जहां ये आवाज जा रही है तो सभी को मैं इस स्थापना दिवस की पूरे हृदय के साथ कोटि कोटि अनंत शुभकामनाएं पहले प्रेषित करता हूं। साथियों, 98 नंबर ही पर्याप्त है ये बताने के लिए कि हमारे संगठन का इतिहास क्या रहा और वो यहां तक का सफर कैसे पूरा किया उसने। निश्चित रूप से जिस दिन संगठन की स्थापना हुई होगी, 98 साल आज हम मना रहे हैं, उस पहले साल के बारे में सोचिए जब पूर्वजों ने नींव रखी होगी इस संगठन की, तो कहीं ना कहीं कोई पीड़ा रही होगी, कहीं ना कहीं उस अंग्रेजी काल का समय है ये 1926, गुलामी का काल, जब एक तरफ पूरे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसी के बीच में एक संगठन की स्थापना हो रही थी, उसी के बीच में संगठन का बीज पौधा बनकर पनपा और धीरे धीरे उसकी शाखाएं बढ़ने लगी और पूरे प्रदेश के पूरे सारे जनपदों में फैल गई। उस समय उत्तरांचल भी इसमें हुआ रहा करता था। संगठन का इतिहास छानने पर, संगठन के पुराने दस्तावेजों का अध्ययन करने पर हम सभी लोगों ने ऐसे ऐसे कागज पाए जिसमें नैनीताल में अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज एचओडी ने आकर हमारे इन कार्यक्रमों में शिरकत की भागीदारी की, ऐसे कागज हम लोग को मिले हैं, फोटोग्राफ मिले हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने आज इस प्रेरणा सदन के माध्यम से, आज इस स्थापना दिवस के माध्यम से, कि वो सफर कितना दुश्वारी भरा रहा होगा कि जब आप एक संगठन को लेकर आगे चलते हैं। निश्चित रूप से हमारी पुरानी पीढ़ी जो भी रही है, मैं किसी का यहाँ पे वो नहीं कहना चाहूंगा, जिसने भी यहाँ पर इस संगठन को खींचा, बड़ा किया, उत्सवित किया, प्रलम्बित किया, मैं उन सभी के प्रति बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज यहाँ पर जो हमारे सेवानिवृत्त साथी आए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए और निर्मल बनाने के लिए हम सभी लोगों ने, जितने भी सेवानिवृत्त पदाधिकारी थे हमारे, चाहे वो हमारे सदस्यगण रहे हों, चाहे वो कोई पदाधिकारी रहे हों, चाहे प्रांतीय पदाधिकारी रहे हों, सबको आमंत्रित किया। पूर्व प्रांतीय महामंत्री एसपी सिंह जी को भी मैंने दो बार फोन किया था, डॉक्टर बीलाल तिवारी जी को भी आमंत्रित किया गया, पूर्व प्रांतीय महामंत्री पुनीत त्रिपाठी से दो तीन तीन बार फोन करके निवेदन किया गया कि आप आइए हमारे प्रेरणा सदन के 98 स्थापना दिवस में और इसको इसमें आकर अपनी भागीदारी करिए और अपनी हिस्सेदारी करिए और हमें अपने आशीर्वाद दीजिए। लेकिन व्यवस्था के कारण लग रहा हो तो नहीं आ पाए, जो भी कारण रहा हो, लेकिन संगठन ने जो भी उपस्थित थे किसी को नहीं छोड़ा है और न छोड़ने का काम करेगा, ये मेरा आपसे वादा है। साथियों, संगठन निश्चित रूप से है, जो भी बांगा साहब ने कहा है कि संगठन सेवा करने के लिए बना है। हमारा कोई एक सदस्य आता है किसी उम्मीद से संगठन के पास जाता है, जैसे कि हम आपकी बात लेके अधिकारी के पास जाते हैं तो बड़ी उम्मीद से आता है। मैं जितने भी क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, जनपदीय पदाधिकारी हैं, सबसे आज इस स्थापना दिवस के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कोई भी आपके पास आए, आप उसकी समस्या का समाधान करिए, उसके बारे में बात सुनिए और उसकी बात सुन के अगर आपके स्तर की समस्या है तो उसके उसको निपटाने का प्रयास करिए, यदि आपके ऊपर की है तो वहाँ उसको भेजने का काम करिए। कहा भी गया है, गमों के आँच पे अशकों को उबाल कर देखो, किसी शायर ने